फॉर फोर ऑनलाइन कोर्सेज डाउनलोड वेदाश्री लर्निंग ऐप। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। तो हम जो है आज बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगस्त महीने की जो प्रेसिडेंसी है वो मिली है इंडिया को, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। और ये प्रेसिडेंसी बेसिकली हर महीने जो है आपका रोटेट होती रहती है, 5 परमानेंट मेंबर और 10 जो है आपके नॉन परमानेंट मेंबर। तो नॉन परमानेंट मेंबर जो है 2 साल के लिए जो है मेंबर बनते हैं, और परमानेंट वाले तो टोटल होते ही हमेशा के लिए। तो बेसिकली देखिए, अगस्त महीने की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, और जैसी ये प्रेसिडेंसी आई है, फ्रांस और रसिया ने सबसे पहले इंडिया को जो है आपका बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और पाकिस्तान का ये बयान आया है बेसिकली कि हम होप करते हैं कि इस प्रेसिडेंसी का जो है इंडिया गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, इस रिस्पेक्ट में जो है पाकिस्तान का बयान आया है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं परमानेंट मेंबर, आपका US हो गया, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये आपका 5 परमानेंट मेंबर हैं। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर में आपका जैसे इंडिया हो गया, आयरलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो ऐसे 10 परमानेंट मेंबर हैं जिनमें 2 साल के लिए कुर्सी है। तो इंडिया जो है जनवरी में बना है 21 में, और 23 तक जो है इंडिया जो है मेंबर रहेगा, नॉन परमानेंट मेंबर। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अभी जो प्रेसिडेंसी थी पिछले महीने की जुलाई की, ये थी फ्रांस के पास, अब आई है इंडिया के पास, और इंडिया के पास चली जाएगी, इंडिया के पास जाएगी किसके पास, आयरलैंड के पास जाएगी। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन परमानेंट है या कौन नॉन परमानेंट है, 1 महीने के लिए प्रेसिडेंसी रोटेशन पर जाती है। तो अगस्त महीने की जैसा मैंने आपको बताया इंडिया के पास है। तो प्रेसिडेंसी आने का फ़ायदा क्या होता है बेसिकली, तो फ़ायदा ये होता है कि उस प्रेसिडेंसी यानी कि इस 1 महीने के दौरान कौन से मुद्दों पे बात होगी, यानी कि डिसाइड करता है प्रेसिडेंट, एजेंडा जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि किस पे बात होगी। तो इसका मैं आपको थोड़ी सी ताकत बताता हूँ कि प्रेसिडेंसी के क्या ताकत होती है। 5 अगस्त 2019 हिस्टोरिकल मोमेंट था इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें 370 धारा जो है हटा दी गई थी। तो उस समय पे प्रेसिडेंट कौन था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उस समय पे पोलैंड था, और पाकिस्तान ने कई बार बोला पोलैंड को कि आप इसको डिस्कस कीजिए, पोलैंड ने ब्लंटली जो है मना कर दिया कि यह आपका बायलेटरल मुद्दा है, आप खुद इसको सुलझाइए, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और उस समय जो पोलैंड था काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है इंडिया के लिए, अगर कोई और कंट्री होता और वहाँ पे डिस्कस कर लेता तो ऐसा नहीं था कि हम 370 को रिवोक नहीं करते, लेकिन हाँ इंटरनेशनल फोरम में ये चीज़ चली जाती और थोड़ा सा ये मुद्दा बन जाता तो थोड़ा सा शायद प्रेशर हमारे ऊपर आता, उसका उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ओरा में, इंटरनेशनल फोरम में ये चीज़ें डिस्कस हो जाती तो थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट पड़ता, हल्का सा। तो अब देखिए इंडिया ने जो है एजेंडा क्या डिसाइड किया है, बेसिकली एजेंडा जो करा है काउंटर टेररिज्म, पाकिस्तान की हालत वैसी ख़राब हो गई तभी यह बयान दिया था कि इंडिया जो है इसको प्रेसिडेंसी को जो है फेयरली यूज़ करेगा। दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्र के रास्ते जो सामान जाता है, जो व्यापार होता है उसके ऊपर, मैरीटाइम सिक्योरिटी। और तीसरा जो है आपका पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी और तीसरा पीस कीपिंग। तो बेसिकली देखिए होता क्या है, जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है कोई भी देश, तो वो जो काउंटर टेररिज्म हो गया इन मुद्दों से थोड़ा दूर ही रहता है, क्योंकि टेररिज्म जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, जिसके साथ होता है उस वो तो भुगतता है, लेकिन जो करता है उसके लिए मज़े की चीज़ है, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। तो देश जो है इन्वायरमेंट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, पर इन पे बात करता है कि हाँ इस पे सब बात करेंगे और 1 महीना पंचायत करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंसी किसी और के पास गई, वो उधर गया। तो इस तरह से होता है, इन मुद्दों से सब बसते हैं, कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं। पर इंडिया ने आते ही सीधा बम फोड़ा कि हम जो है इन्हीं कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करेंगे, और एजेंडा जो है क्लियर हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी और पीस कीपिंग। और उसके बाद एक कदम और आगे निकल के 9 अगस्त को जो है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इंडिया का पीएम, इंडियन पीएम मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये खुद प्रिसाइड करेंगे इस प्रेसिडेंसी को। जाहिर सी बात है ऑफलाइन
नहीं करेंगे, आपका बेसिकली ऑनलाइन होगा, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनलाइन होगा, बट इतिहास में पहली बार ये होने वाला है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी खुद सामने से जो है इसको प्रिसाइड करेंगे। और वो जो टॉपिक होगा आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर होगा 9 अगस्त को, उस पर भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे क्या होगा, यूनाइट अवेयर करके एक जो है आपका एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है इंडिया ने 1.64 मिलियन रुपीज़ में, और इसमें जो है बेसिकली आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनके लिए जो है हेल्प के लिए जो है उनको इसको लॉन्च किया जाएगा। तो बेसिकली देखिए पीस कीपिंग क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जो है ये बहुत सारे देशों से जो है सेना मंगवाता है, तो ज़्यादातर जो सेना है ये साउथ एशियन कंट्री या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ही जाती है, ज़्यादातर उसमें कंट्रीब्यूशन इंडिया का होता है, कुछ हद तक और भी नेबरिंग कंट्री का होता है, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया का ही होता है बेसिकली स्ट्रेंथ वाइज। और यूरोपियन कंट्री और जो यूएस वगैरह है वो अब अपनी फोर्सेस नहीं भेजते हैं, ज़्यादातर वो पैसा भेजते हैं कि आप हमसे पैसा ले लो, हम अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे। तो इनडायरेक्टली ये इंडियन जो है उनको काफ़ी हेल्पफुल करेगा, हेल्प रहेगा। काउंटर टेररिज्म मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी जिस पर ये होगा। तो बेसिकली अब मैं आपको बताता हूँ रशिया और फ्रांस इनका इंटरेस्ट क्या है। देखिए बधाई भी जो मिलती है ना इंटरनेशनल रिलेशन में फ्री में नहीं मिलती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। तो यूक्रेन का ये इल्ज़ाम है रशिया के ऊपर, तो यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है और रशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो यूक्रेन का पार्ट है उसमें यूक्रेन रशिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि रशिया हमारे देश के अंदर आतंकवाद फैला रहा है, और यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर इस हद तक केओस हो चुका है कि वो टुकड़ा काट के जो है रशिया अपने में मिलाना चाहता है। तो चांसेस पूरे पूरे बनते हैं कि यूक्रेन जो है इंडिया से ये कहेगा कि आप जो है रशिया के ऊपर कोई रेजोल्यूशन लाइए, हमारे संबंध रशिया से भी अच्छे हैं यूक्रेन से भी अच्छे हैं। तो इंडिया इस चीज़ को कैसे टैकल करता है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में पता लगेगा। दूसरा फ्रांस ने जो है काउंटर टेररिज्म के ऊपर, कॉम्बैट टेररिज्म के ऊपर अपने देश में जो है लॉ पास किया है। तो बेसिकली वहाँ पे देखिए हेट स्पीच को बैन किया गया है, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म अलग जगह, हिजाब को भी बैन किया गया है, बुरखा को भी बैन किया गया है, क्योंकि 2022 में वहाँ चुनाव आने वाले हैं। और कुछ काउंटर टेररिज्म मेज़र जो फ्रांस चलाता है अफ्रीकन कंट्री के अंदर वहाँ से भी धीरे धीरे जो है विड्रॉ कर रहा है, पर उसने ये बोला कि हम आपको काउंटर टेररिज्म में हेल्प करेंगे। और विड्रॉ करने का रीज़न ये है क्योंकि अफ्रीकन कंट्री में अब धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हो रहा है, तो फ्रांस अपने सोल्जर वहाँ से विड्रॉ कर रहा है। तो रशिया ने जो है आपका बेसिकली चाहता है कि ना पास हो उसके अगेंस्ट में कोई भी रेजोल्यूशन और यूक्रेन के फेवर में, और फ्रांस बेसिकली चाहता है कि जो इस्लामिक नेशंस हैं जो फ्रांस के ऊपर दबाव बना रहे हैं वो कहीं इंडिया के ऊपर भी दबाव ना बना दें, क्योंकि यूएई हो गया, सऊदी हो गया, और इन कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो इस चीज़ को इंडिया बैलेंस कैसे करता है, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। और इस पूरी प्रेसिडेंसी में इंडिया किस हद तक इसको यूटिलाइज़ करता है ये भी जो है हमें अगस्त लास्ट तक पता लग जाएगा कि इंडिया ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की हैं। तो ये एक महीना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, प्लानिंग ऑलमोस्ट ऊपर हो ही चुकी है, जाहिर सी इसमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। और कोइंसिडेंस ये है कि 75th इंडिपेंडेंट ईयर है ये, 2000 आपका जो 22 है आने वाला वो 75th आपका इंडिपेंडेंस ईयर है, उससे एक साल पहले हमें प्रेसिडेंसी मिली है, तो उस आने वाले साल में इसका कितना फ़ायदा हम उस समय पे उठा पाएंगे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारे कोइंसिडेंस इंडिया के फेवर में चल रहे हैं, और देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में कि हम इसका किस तरह से यूज़ कर पाते हैं। थैंक यू।